एम फाइनेंशियल्स को बड़ा झटका दिया है। मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी पर नए डेट इशू लीड मैनेजर बनने पर रोक लगा दी है। इस पर और जानकारी लेते हैं अनुराग जोशी से। अनुराग बताइए। कल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत का मार्केट रेगुलेटर है, उसने जेएम फाइनेंशियल पर एक इंटरिम एक्सपार्टे ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत जेएम फाइनेंशियल किसी भी पब्लिक इशू है डेट का, उसमें लीड मैनेजर के तौर पे भागीदारी नहीं ले सकता है। और जिन पब्लिक इश्यूज डेट के हैं, जिनमें जेएम फाइनेंशियल अभी लीड मैनेजर है, वो ये रोल अब अगले 7 दिनों के लिए ही अदा कर सकता है। अभी ये मामला एक बॉन्ड इशू, कुछ बॉन्ड इशू के हैं, जिसके चलते जेएम फाइनेंशियल, ये सभी ने ये कहा है कि जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स में आए थे, उन्होंने बॉन्ड लिस्टिंग के पहले ही दिन अपने जो बॉन्ड्स हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में बेच दिए थे। और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो कि जेएम फाइनेंशियल की एक सब्सिडियरी है, उन्होंने ये बॉन्ड्स को इन इन्वेस्टर्स से खरीदा था और जो अपने कॉर्पोरेट निवेशक है उनको ये बॉन्ड्स बेचा था और ये और एक लॉस में, एक घाटे में बेचा गया था। तो ये जो जो रिटेल होल्डिंग है वो बॉन्ड इशू की, अभी ये रिटेल इशू थी, लेकिन जो रिटेल होल्डिंग थी वो बॉन्ड इशू की, वो उस सेल के बाद बहुत घट गई थी। तो इस पे सेबी ने आपत्ति जताई है और सेबी का एक ये आरोप है कि ये एक तरह से इंसेंटिव हो जाता है, जो कि सेबी के जो नियम है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इसी के चलते सेबी ने जेएम फाइनेंशियल पे ये पाबंदियां डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं एक और खबर।